गांधी अस्पताल के बेसमेंट में खड़ी कार का शीशा तोड़कर 25,000 रुपए नगद एटीएम ड्राइविंग लाइसेंस चुराने वाला आरोपी अमैया पुलिस की गिरफ्त में। पिछले दिनों हुई इस घटना का आरोपी सीसीटीवी में कैद हो गया था, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी को पकड़ा, कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे भेजा गया जेल। संजय गांधी अस्पताल के बेसमेंट में खड़ी कार का शीशा तोड़कर 25,000 नगद एटीएम कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य सामान चुराने वाला आरोपी अमहिया पुलिस की गिरफ्त में। आरोपी सीसीटीवी में हुआ कैद, जिसकी मदद से पुलिस पहुंची आरोपी तक। पुलिस ने बाणसागर कॉलोनी समान थाना अंतर्गत आने वाले रावेन सिंह पटेल पिता लल्लू लाल पटेल को सीसीटीवी में देखा, उसको पकड़ा, उससे पूछताछ की। पूछताछ में उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने उसके पास से 25,000 रुपए नगद एटीएम कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, न्यायालय के आदेश पर उसको जेल भेज दिया गया है। बाणसागर कॉलोनी समान थाना का रहने वाला रावेन सिंह पटेल पिछले दिनों संजय गांधी अस्पताल के बेसमेंट के कार से सामान चुराने वाला निकला, सीसीटीवी के आधार पर पकड़ा गया, उसके पास से 25,000 नगद एटीएम कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस बरामद हुआ। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां पर उसे कोर्ट के आदेश के बाद जेल भेज दिया गया। आरोपी ने संजय गांधी अस्पताल के बेसमेंट पार्किंग में खड़ी कार का कांच तोड़कर रुपए से भरा बैग पार कर दिया था। अमैया थाना पुलिस द्वारा कार के अंदर से पैसे से भरा बैग चुरा ले जाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मामला एसजीएमएच बेसमेंट पार्किंग में खड़ी कार का है, जहां पर पिछले दिनों कार का कांच तोड़कर रुपए से भरा बैग चोरी कर ले जाने वाले आरोपी पप्पू उर्फ रावेन सिंह पटेल पिता लल्लू लाल पटेल उम्र 25 साल निवासी बाणसागर कॉलोनी थाना सामान को गिरफ्तार कर लिया है, न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया। बैग में 25,000 नगद जरूरी कागजात रखे थे, जिसे बदमाश ने चोरी कर लिया था। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। इसी दौरान सीसीटीवी कैमरे के जब फुटेज देखे गए तो आरोपी की निशानदेही हो गई। उस आधार पर आरोपी को पुलिस ने पकड़ा, उससे पूछताछ की। अमैया थाने की पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने उसके पास से एटीएम कार्ड नकदी सहित अन्य जरूरी दस्तावेज भी बरामद करने में सफलता पाई है। संजय गांधी अस्पताल की बात की जाए तो आए दिनों यहां पर चोरी की घटनाएं होती ही रहती हैं। हाँ, ये 3 दिन पहले एसजीएमएच की पार्किंग में एक कार खड़ी हुई थी, जो एक अज्ञात चोर द्वारा उसका कांच तोड़ के एक बैग चोरी कर ले गया था, जिस बैग में 25,000 रुपये कैश, एटीएम कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेज शामिल थे। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी कैद हुआ था, उसी के आधार पर पता तलाश की गई, जो आरोपी कल दस्तयाब हुआ है, जिससे चोरी की गई संपत्ति पूरी जब्त की जा चुकी है। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। आरोपी का नाम पप्पू सिंह पटेल है, ये बाणसागर कॉलोनी का रहने वाला है।